गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़वाणी रेवाड़ी। टुडे वी विल स्टार्ट सिक्स क्लास थर्ड लेसन माय स्कूल डेज। वर्ड मीनिंग्स मेडिकॉस नीदर गुड नॉर बैड। सबरंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए सिटी नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड। डन्स ए पर्सन स्लो एट लर्निंग। ब्लेमिश ए सेंटेंस। रिब्यूक्स शार्प डिसअप्रूवल्स और क्रिटिसिज्म। डिसिप्लिनेरियन ए पर्सन हु प्रैक्टिस फ्रीम डिसिप्लिन और रूल्स। अलॉफनेस डिस्टेंसेस। अबस्टेनिंग से रेफरिंग्स फ्रॉम इंक्लूडिंग इन टू सम थिंग्स। एक्सेम्प्ट टू फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और टास्क। रिपेंटेड रिग्रेटिंग्स वन सून एक्शन से। नर्वस और टिम्ड इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल्स। स्ट्रोक्स एन एक्ट ऑफ हिटिंग और स्ट्राइकिंग समवन्स और समथिंग ए ब्लो। कॉर्पोरल रिलेटिंग टू द ह्यूमन बॉडी। अब हम जो हमारा जो थर्ड क्लास सिक्स क्लास का जो थर्ड लेसन है माई स्कूल डेज वो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहूंगी कि ये जो लेसन है माई स्कूल डेज ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से ये जो लेसन लिया गया है माई स्कूल डेज। इस लेसन में महात्मा गांधी ने अपनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को शेयर किया है, स्पेशली उन एक्सपीरियंस को शेयर किया है जैसे कि उनके जो बचपन के चाइल्डहुड के जो स्कूल के जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में उन्होंने बताया है इस लेसन में। सबसे पहले मैं आपको महात्मा गांधी का पूरा जो नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था जो कि राजकोट के अंदर एक दीवान थे। माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी जो शादी है इनकी जो मैरिज है वो 13 ईयर्स के अंदर हो जाती है, यानी कि जब वे 13 साल के थे तब इनकी शादी पुतलीबाई से हो जाती है। 19 साल की एज के अंदर ये इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस इंडिया आते हैं, यानी कि वहां से ये वकील बनकर वापस इंडिया के अंदर आते हैं। अब जो महात्मा गांधी का जो हमारा जो लेसन है माई स्कूल डेज वो शुरू होता है, यानी कि महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी से जो लिया गया है माई स्कूल डेज वो शुरू होता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि उस टाइम मैं 7 साल का था जब मेरे पिता ने पोरबंदर छोड़ा था पोरबंदर छोड़ा था राजकोट के लिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि उस टाइम मेरी जो एज थी वो 7 इयर्स की थी, यानी कि 7 इयर्स की जो एज होती है उसके अंदर बच्चे को अच्छे से नॉलेज हो जाती है, उसको सब कुछ पता चल जाता है कि मतलब वो अपने जो रिलेटिव्स हैं और उनके जो बेस्ट टीचर्स हैं और जो भी उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो क्लासमेट हैं वो उनको दोबारा से पहचान सकते हैं अगर वो दोबारा से कहीं भी पे मिलते हैं। तो महात्मा गांधी भी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे जो स्कूल टीचर्स हैं मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, मैं उनको अच्छे से उनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि उस टाइम पे मैं जो एक स्टूडेंट था मैं मेडिकल स्टूडेंट था। मेडिकल स्टूडेंट्स मतलब नीदर गुड नॉट बैड, यानी कि ऐसा स्टूडेंट्स जो बीच का जो स्टूडेंट्स होता है हम उसको मेडिकल स्टूडेंट्स बोलते हैं। महात्मा गांधी जो थे वो पढ़ाई में ना ही तो कमजोर, ज्यादा कमजोर हम उनको कह सकते हैं और ना ही ज्यादा हम उनको होशियार इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, तो यानी कि बीच के जो स्टूडेंट्स थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बताते हैं कि उस टाइम पे मेरे जो महात्मा गांधी के जो दोस्त थे वो क्या थे, उनके बुक्स एंड लेसन्स थे। महात्मा गांधी ज्यादा किसी की कंपनी को पसंद नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने बुक्स और अपने उनके लेसन्स को ही अपने दोस्त अपने सोल कंपेनियन मानते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं माई बुक्स एंड माई लेसन्स आर माई सोल कंपेनियंस। महात्मा गांधी बताते हैं उनका जो स्कूल का टाइमिंग होता था वो एग्जैक्ट टाइम पे स्कूल में जाते थे और जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती थी वो घर वापस आ जाते थे और जल्दी से दौड़कर आ जाते थे क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि पीछे से उनको कोई आवाज लगाए और वहां पे उनको रुकना पड़े। और महात्मा गांधी को ज्यादा किसी की कंपनी पसंद नहीं थी इसलिए वो अलग थलग रहते थे, तो इस वजह से महात्मा गांधी वहां से जल्दी से भागकर वापस आ जाते थे। महात्मा गांधी अब महात्मा गांधी का एक जो एक्सपीरियंस है उनके स्कूल के अंदर एक दिन वो एग्जामिन के लिए एजुकेशनल इंस्पेक्टर मिस्टर गिल आते हैं और वो उनको 5 स्पेलिंग देते हैं, 5 वर्ड स्पेल देते हैं कि आपको ये 5 वर्ड्स की स्पेलिंग लिखनी होती है। उसमें से एक वर्ड होता है कैटल्स जिसकी स्पेलिंग महात्मा गांधी को नहीं आती। उनके टीचर्स हैं वो उनको नकल करवाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे तो नकल करने की कला आती ही नहीं है। इस वजह से उनके जो टीचर्स हैं वो उनके नेबर्स की जो स्लेट लेकर और फिर महात्मा गांधी को देते हैं लेकिन फिर भी महात्मा गांधी उसको चीटिंग नहीं करते और महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे तो ये सब कुछ सिखाया नहीं गया। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि सारे बच्चों की स्पेलिंग होती है वो सही होती है एक महात्मा गांधी को छोड़ के। इसके ऊपर उनको काफी डांट फटकार भी लगाई जाती है लेकिन महात्मा गांधी
इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ यही बात बोलते हैं कि मुझे तो नकल करने की कला आती ही नहीं है। महात्मा गांधी इतने ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बच्चे तो थे नहीं, इस वजह से उनके जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह जो जाते थे, उनके जो प्रोग्रेस कार्ड वगैरह जाते थे, उनके रिपोर्ट कार्ड और प्रोग्रेस कार्ड की वजह से उनके पेरेंट्स को कभी स्कूल में नहीं आना पड़ा, क्योंकि उनके जो रिपोर्ट कार्ड और प्रोग्रेस कार्ड थे वो ठीक ठीक ही जाते थे, तो इस वजह से उनके जो पेरेंट्स थे वो स्कूल के अंदर कभी नहीं आए। और महात्मा गांधी कहते हैं कि एक बार तो उन्होंने स्कॉलरशिप भी जीती थी, 4 और 10 रुपए की स्कॉलरशिप भी जीती थी एक बार। महात्मा गांधी कहते हैं एक बार उनके टीचर्स ने उनको डांट भी लगाई थी, जिसके कारण उनको काफी दुख भी हुआ था और काफी वो परेशान भी हो गए थे, और इस वजह से महात्मा गांधी को काफी बुरा लगा था। एक बार उनके स्कूल के अंदर उनके न्यू हेडमास्टर आते हैं, दोराबजी जुलजी जिमी जो कि उनके नए हेडमास्टर हैं, वो आते हैं और वो ये कंपलसरी कर देते हैं कि जो अपर क्लास के जो बॉयज हैं उनके लिए जिमनास्टिक और क्रिकेट कंपलसरी हो जाएगा। महात्मा गांधी को ये दोनों चीज इन दोनों चीजों को महात्मा गांधी डिसलाइक करते थे। दोनों चीजों को डिसलाइक इसलिए करते थे महात्मा गांधी क्योंकि महात्मा गांधी को अगर क्रिकेट खेलनी है तो वहां पे उनको टीम बनानी पड़ेगी, टीम के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा, तो और महात्मा गांधी किसी के साथ किसी की कंपनी में रहना पसंद नहीं करते थे। महात्मा गांधी जो थे वो थोड़े से शे और नर्वस किस्म के बच्चे थे, तो इस वजह से महात्मा गांधी को ये दोनों चीजें इनको पसंद नहीं थी। वो महात्मा गांधी हैं वो इन चीजों को डिसलाइक करते थे। एक बार क्या वो महात्मा गांधी है वो अपने टीचर्स हेडमास्टर के पास जाते हैं और कहते भी हैं कि उनका नाम यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन उनके जो टीचर्स हैं वो उनको वो बोलते हैं कि ये कंपल्सरी है, ये यहाँ से आपका नाम नहीं हटाया जाएगा। तो महात्मा गांधी को वहां पे ग्राउंड के अंदर 4 बजे शाम को पहुंचना होता है, और महात्मा गांधी के पास कोई वॉच तो थी नहीं जिसको देखकर महात्मा गांधी टाइम का अंदाजा लगा सके। और महात्मा गांधी जब टाइम का अंदाजा लगा शाम के 4 बजे का जो टाइम जो इमेजिन कर रहे थे, वो बादलों की परछाई को देखकर इमेजिन कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे बादल भी उनको धोखा दे जाते हैं और इस वजह से वो ग्राउंड में पहुंचने में लेट हो जाते हैं। और जब वो महात्मा गांधी वहां पे ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे बच्चे वहां से जा चुके होते हैं, और महात्मा गांधी को अगले दिन वहां पे हेडमास्टर जब उनको रजिस्टर के अंदर एब्सेंट देखते हैं तो उनको फाइन भी किया जाता है, और फाइन के लिए उनको 2 और 3 आने का जुर्माना दिया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी अपनी सफाई फेस करते हैं, लेकिन उनकी सफाई को नहीं माना जाता, और महात्मा गांधी को काफी दुख भी होता है। लास्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसमें महात्मा गांधी हैं वो राइटिंग के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि स्टूडेंट्स की जो राइटिंग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अच्छी राइटिंग के आधार पर ही आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। महात्मा गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी के जो स्कूल के दिनों में उनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, महात्मा गांधी सोचते थे कि अच्छी राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर करती है, तो इस वजह से महात्मा गांधी राइटिंग के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देते थे, जिस वजह से उनके मार्क्स भी कटते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा है लास्ट पैराग्राफ के अंदर, लास्ट लाइनों के अंदर महात्मा गांधी ने बताया है कि अच्छी हैंड राइटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अच्छी अगर बच्चों को हम आर्ट और ड्रॉइंग सिखाएंगे, उनको अच्छे अच्छे चित्र ड्रॉ करने सिखाएंगे, उसके बाद फिर हम उनको लेटर्स बनाने सिखाएंगे, तो बच्चे इससे ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं और उनकी हैंडराइटिंग है वो भी अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। और इसी के साथ हमारा जो लेसन है वो खत्म हो जाता है। लास्ट पैराग्राफ के अंदर महात्मा गांधी है वो विशेषतर राइटिंग के ऊपर फोकस देते हैं, आर्ट ऑफ लर्निंग के बारे में बात करते हैं। और महात्मा गांधी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई है, लोग इनको प्यार से बापू के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद कराने में काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया है और हमारे देश को आजाद कराने में काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इन्हीं के संघर्षों के कारण, इन्हीं के प्रयास के कारण आज हम स्वतंत्र भारत के अंदर सांस ले पा रहे हैं, तो वो सिर्फ गांधी जी की वजह से ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।